श्रीनगर कश्मीर के खूबसूरत वादियों और पहाड़ों के बीच बसी एक छोटी सी वैली। श्रीनगर जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई लगभग 1590 मीटर है। जम्मू और कश्मीर की राजधानी श्रीनगर जिसे पैराडाइज ऑन अर्थ यानी कि धरती पर स्वर्ग के नाम से जाना जाता है। श्रीनगर कश्मीर के मध्य बसा भारत के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। श्रीनगर जम्मू और कश्मीर का समर कैपिटल है जिसकी खूबसूरती को निहारने पूरे विश्व भर से काफी पर्यटक हर साल यहाँ आते हैं। यहाँ के रंग बिरंगे फूलों से भरे खूबसूरत गार्डन और मन को मोह लेने वाली साफ पानी की झीलें, यहाँ आकर आप ट्रेकिंग और बोटिंग जैसे एक्टिविटीज का आनंद ले सकते हैं। श्रीनगर का डल झील अपनी खूबसूरती के लिए विश्व विख्यात है। डल झील करीब 15 किलोमीटर में फैली जम्मू और कश्मीर की सबसे बड़ी झील है। हजार से ज्यादा झरने इस झील में मौजूद है। इस झील का साफ और पवित्र पानी शांति की अनुभूति करता है और यह श्रीनगर घाटी का ताज यानी कि गहना है। यह डल झील पर्यटकों का आकर्षण का केंद्र इसलिए है क्योंकि इस झील के इर्द गिर्द आपको बेहद सुंदर हाउस बोट देखने को मिलेंगे जिसमें आप ठहर सकते हैं। यह हाउस बोट आपको एक 5-स्टार लग्जरी का आनंद दे सकती है। डल झील में तैरते हुए शिकारे पर्यटकों का प्रमुख आकर्षण का केंद्र है। आप भी शिकारे का लुफ्त उठाना न भूलें। डल झील में आपको तैरते हुए बाजार देखने को मिलेंगे जिसमें आप खाने की कई चीजें खरीद सकते हैं। सर्दियों के समय ये डल झील बर्फ से जम जाती है जिसमें पर्यटक आइस स्केटिंग का लुफ्त उठाते हैं। श्रीनगर एयरपोर्ट से यहाँ पे हम राजबाग में आ गए हैं। यहाँ पे हमने होटल एक्चुअली बुक किया है। आप मेरे पीछे देखोगे ये हॉलीडे प्लाजा करके होटल है, ये बुक किया है। इसका फेयर लगभग 2000 रुपीस पर डे है। यहाँ से अभी श्रीनगर में हम डल लेक और बाकी के कुछ साइट सीन्स है वो अभी एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो यहाँ से अभी हम फ्रेश वगैरह होके यहाँ से रेस्टोरेंट में जाएंगे। मुंबई का क्लाइमेट एक्चुअली 34-35 के लगभग था और यहाँ पे हमने लैंडिंग किया तब यहाँ का क्लाइमेट 17 है। तो यहाँ पे बहुत सी ठंडी है, क्लाइमेट बहुत ही ठंडा है और जैसे जैसे शाम होगी वैसा वैसा यहाँ का क्लाइमेट बहुत ही कम होता जाएगा। तो मेरे ख्याल से लगभग 10 से 12 तक भी शाम तक जा सकता है। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा गर्मी वाले कपड़े वगैरह यहाँ पे लेने पड़ेंगे। तो आपको मैं यहाँ पे होटल अंदर से भी दिखाऊंगा ये होटल। तो होटल भी अच्छा है और यहाँ से अभी हम बाकी के कुछ प्लेसेस एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो चलिए अभी हम बाकी के प्लेसेस एक्सप्लोर करने के लिए जाते हैं। यहाँ पे अभी हम डल लेक के पास पहुँच चुके हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे डल लेक। डल लेक के गेट नंबर 9 के सामने ही बिस्ट्रो कैफ़े है। बिस्ट्रो कैफ़े में हमने लंच किया है। बढ़िया लंच मिलता है यहाँ पे आपको, वेज नॉन वेज का। मुझे तो अच्छा लगा यहाँ पे श्रीनगर में आके। अभी डल लेक में बोटिंग अगर करना है तो बोटिंग भी कर सकते हैं। हम अभी बोटिंग भी ट्राई करेंगे। यहाँ पे क्लाइमेट इतना बढ़िया है कि आपको ठंडी हवाएं देखने को मिलेंगी। राइट राइट किया जाना है। हाँ जाना है। चलो आपका नाम क्या? शौकत। शौकत है, अच्छा। एक पास में हमारी फैमिली आती है, ठीक है। क्या चार्जेस है बोटिंग के? 700-1200। कितने टाइमिंग है? 1 आवर और 1 आवर की टाइम। हाँ, 8 पॉइंट के हिसाब से होते हैं ना। ओके, कितने पॉइंट्स है उसमें? 10 से 12 नहीं, 8 वाला। यहाँ पे हाउस बोट्स भी बहुत है। अगर आपको स्टे करना है यहाँ पे डल लेक पे तो यहाँ पे हाउस बोट्स एक लाइन से आप देखोगे तो बहुत से यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे टूरिस्ट का क्राउड भी ज़्यादा है। बहुत से लोग एक्चुअली छुट्टियों की वजह से और जून टू सितंबर में यहाँ में एक्चुअली सीज़न होता है तो यहाँ पे बहुत से टूरिस्ट आते हैं जून टू सितंबर में। हम अभी जून में यहाँ पे आए हुए हैं। यहाँ पे आप अगर आप देख सकते हो यहाँ पे टूरिस्ट का क्राउड भी बहुत ही है। ये स्ट्रीट घूमने के लिए भी बहुत बढ़िया है। यहाँ पे आप शाम को या दिन में भी अगर आप घूमोगे तो यहाँ का क्लाइमेट बहुत ही अच्छा होगा। अभी शाम के लगभग 5 बजे हुए हैं तो यहाँ पे मैं एक्चुअली घूम रहा हूँ। ये वॉकिंग स्ट्रीट है। वॉकिंग स्ट्रीट पे वॉकिंग करने के लिए बहुत ही अच्छा लगता है। Thank you.
एक्साइटेड है। अरे ये लगता है एक्सीडेंट करवाएगा। शिकारा से यहाँ में सामने वाला हाउस बोट का और शिकारा का व्यू यहाँ से दिख रहा है। इसके साथ साथ यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे श्रीनगर की स्ट्रीट आपको डल लेक से देखने को मिलेगी। ये डल लेक में जो व्हाइट कलर का एक्चुअली ऑफिस जैसा दिख रहा है वो पोस्ट ऑफिस है श्रीनगर का। तो यहाँ पे अभी हम बोटिंग का मजा ले रहे हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू यहाँ से दिख रहा है। यहाँ पे कॉफी भी सर्व कर रहे हैं सभी लोग। आपको अगर कॉफी चाहिए तो कॉफी ले सकते हैं। कश्मीरी कावा कॉफी और ये बहुत ब्यूटीफुल नेचर। तो एकदम से मजा आ रहा है यहाँ पे बैठ के। ऐसा लग रहा है कि अभी हम मैं जन्नत में ही हूँ। ये वाला नेहरू गार्डन है जो चाचा नेहरू ने यहाँ उद्घाटन किया उसकी नाम के। और ये बोट कनेक्टेड है, कोई रोड कनेक्टेड नहीं है, पानी के बीच में नेहरू गार्डन के नाम से जाना जाता है। और जिसमें आप बैठे हैं इसको शिकारा कहते हैं। ये यहाँ घुमाने में लगता है, घुमा के फिर आपको ये पूरा राउंड है वो करके। और ये यहाँ से अगर मेन ओपन डल लेक, ये मेन डल झील जो भी पुराने पिक्चर बने हैं जैसे जब जब फूल खिले, कश्मीर की कली, आरिजू, सब पिक्चर इसी लेक में बने। और इसी लेक में भी स्पोर्ट्स होता है, जो वाटर स्पोर्ट्स यहाँ रहते हैं, जो स्कूल की तरफ से स्कूल की तरफ से जो फंक्शंस रहते हैं, जो स्कूल की तरफ से रेसिंग रहता है, कयाकिंग रहता है, वो इसी लेक में रहता है। और यही लेक विंटर में फ्रीज हो जाता है, जो टीवी पे आता है कि ये डल झील जमा हुआ है। okay. तो ये लेक जमता है, अगर ज्यादा माइनस पड़े तो हम यहाँ इसके ऊपर कैप्टन दिख रहे हैं। यहाँ पे पूरा आइस होता है, ये पूरा आइस हो जाता है। ओके ओके ओके। यहाँ पे अगर आपको कश्मीर की ट्रेडिशनल फोटोग्राफी करनी है तो ये अलग शिकारा में बिठा के हमें फोटोग्राफी करने के लिए लेके जाते हैं। तो ये अलग शिकारा में बैठ के आप फोटोग्राफी वगैरह करके फिर से आपके शिकारा में आ सकते हैं। तो ये थोड़ी दूर लेके जाते हैं, फोटोग्राफी वगैरह अच्छी नेचर के साथ करते हैं और हमें तुरंत ही वहाँ पे फोटो ट्रांसफर करके मिल जाते। तो आपको भी अगर कश्मीरी ट्रेडिशनल ड्रेस में अगर फोटोग्राफी करनी है तो डल लेक में आप शिकारा में बैठ के फोटोग्राफी कर सकते हैं। एक्चुअली बीच में मार्केट है, यहाँ पे हम खाने की चीज़ें ले सकते हैं, पकोड़ा, टी, कॉफ़ी, कौवा, मैगी, बहुत से यहाँ पे आइटम खाने के लिए मिलते हैं। ये डल लेक के एग्जैक्टली बीच में रुका के हमें ये गुस्सा रहा है मुझे। ये देखिए यहाँ पे ये पूरा एक्चुअली मेनू कार्ड ही बना है यहाँ पे, जो भी चाहिए आप ले सकते हो। यहाँ शिकारा में बैठ के चाय पीते पीते सामने हाउस बोट का व्यू और बाकी डल लेक का व्यू देखने में बहुत ही मज़ा आता है। ये एक्सपीरियंस बहुत ही अलग है। तो यहाँ पे आके डल लेक में शिकारा में बैठ के चाय या कश्मीरी कहवा या नाश्ता हम जरूर कर सकते हैं, इसका आनंद भी आप उठा सकते हैं यहाँ पे आके। डल लेक में थोड़ा आगे आने के बाद अंदर एक बहुत ही बड़ा मार्केट है। इस मार्केट में आप शॉपिंग कर सकते हैं। यहाँ पे अलग अलग तरह के कश्मीरी कपड़े और वुलन्स के कपड़े आपको मिलेंगे। तो यहाँ पे पानी में शिकारा में बैठ के ही आप शॉपिंग कर सकते हैं या तो आप अंदर जाके शॉप में भी शॉपिंग कर सकते हैं।
ये भी एक्सपीरियंस बहुत ही अलग और बढ़िया एक्सपीरियंस है। बहुत से लोग यहाँ पे आते हैं शॉपिंग करने के लिए, मार्केट में जाते हैं या सिर्फ शिकारा में बैठ के ही मार्केट देख के ही चले जाते हैं। यह ऐसे घूमते हुए शिकारा में भी एक्चुअली शॉपिंग करने के लिए बहुत से प्रोडक्ट आपको यहाँ पे मिलेंगे या आगे जाके शॉप्स भी बहुत मिलेंगे। उस शॉप में जैसे हम मार्केट में जाते वैसे यहाँ पे फ्लोटिंग मार्केट बनाए हैं, तो उसके अंदर जाके हम एक्चुअली शॉपिंग कर सकते हैं। तो ये पूरा मार्केट एरिया है, लेफ्ट और राइट दोनों बाजू में यहाँ पे शॉप्स आपको देखने को मिलेंगे। आपको जहाँ पे रुकना है, शॉप में जाना है, शिकारा साइड में लेके आप अंदर जा सकते हैं और जितना समय चाहिए उतना समय हम यहाँ पे शॉपिंग कर सकते हैं। तो कुछ देर हम यहाँ पे रुकेंगे, एक शॉप में जाके शॉपिंग करने के लिए देखेंगे यहाँ पे प्रोडक्ट की वैरायटीज़ क्या क्या है, क्योंकि कश्मीरी प्रोडक्ट आपको यहाँ पे बहुत से देखने को मिलेंगे। तो अभी हम यहाँ पे साइड में शिकारा लेके यहाँ पे रुक जाते हैं। यहाँ पे मेरे पीछे आप देख सकते हो कि शिकारा में बैठ के बहुत से लोग यहाँ पे घूमने आ रहे हैं। यहाँ पे मार्केट में आप उतर के भी शॉपिंग कर सकते हो। यहाँ पे आपको कश्मीर के बहुत से वैरायटीज़ प्रोडक्ट्स मिलेंगे। तो आप यहाँ पे डल लेक पे आते हो तो यहाँ पे शॉपिंग के लिए ये पॉइंट देखने के लिए ज़रूर आना आप। यहाँ पे लोकल जो पब्लिक रहती है, या तो रहती है या बिजनेस करने के लिए आते हैं, उनको इसमें घूमने के लिए एक ऐसे ही छोटी नाव लेके घूमना पड़ता है। तो ये लेडीज़ भी यहाँ पे ये नाव लेके ही आगे जा रही है, अगर कुछ काम है या बाहर जाना है तो ऐसे यहाँ पे पानी में ही एक्चुअली सभी जगह यहाँ वहाँ आना पड़ता है। तो आपको भी श्रीनगर में ये डल लेक का या कश्मीर का अगर ये एक्सपीरियंस लेना है तो आप श्रीनगर में आके डल लेक में शिकारा में बैठ के एक्चुअली यहाँ वहाँ घूम के ये एक्सपीरियंस खुद भी ले सकते हो, और ये एक्सपीरियंस बहुत ही बढ़िया और बहुत ही अलग एक्सपीरियंस यहाँ पे आपको मिलेगा। यहाँ रहने वाले लोग पानी के साइड में ही खेती करते हैं, इसमें वेजिटेबल्स वगैरह लगाते हैं, और पानी में जो नीचे ग्रास रहता है वो एज अ फर्टिलाइज़र करके यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे तो साइड में आपको बहुत से जगह यहाँ पे खेती भी देखने को मिलेंगी, छोटी छोटी जगह में इन्होंने यहाँ पे खेती भी की हुई है। मैं भी एक्चुअली सब्जी बेचते हैं, सामने आप देखोगे यहाँ पे सब्जी बेच रहे हैं। मैं अभी इंक्वायरी करता हूँ यहाँ पे सब्जी की कीमत। रेट किसी भी तरह बता मेरे को। टमाटर कैसा है यहाँ पे? टमाटर 80 रुपये के जी। तो ये सभी मार्केट डल लेक घूमने के बाद अभी शाम हो रही है, तो हम वापस फिर से डल लेक से बाहर जा रहे हैं। तो डल लेक हमें बहुत ही सुंदर लगा, श्रीनगर भी बहुत ही सुंदर है, जैसा मैंने बताया हेवन ऑन अर्थ, तो ये सही मायने में वैसा ही है। अगर आपको देखना है तो आप जून से सितंबर तक श्रीनगर देखने के लिए आ सकते हो, क्योंकि यहाँ पे स्नोफॉल वगैरह कुछ भी नहीं होता है, नेचर एकदम ही अच्छा होता है और क्लाइमेट भी अच्छा होता है। और अगर आपको स्नोफॉल में आना है तो आप सितंबर के बाद आ सकते हो। तो अगर आपको ये कश्मीर श्रीनगर का वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूले, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब वीडियो। फिर मिलते हैं अगले ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।